हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टैबुलेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डेटा और डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम समझते हैं डेटा टैबुलेशन क्या चीज़ है। तो टैबुलेशन को समझते हैं, ये एक ऐसा सिस्टमेटिक और लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और इसमें हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं या फिर उस डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो ये आपका टैबुलेशन होता है। बेसिकली डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना ही टैबुलेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हम रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, और ये जो इस तरीके का टैबुलेशन डेटा होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है किसी भी जो भी आपके न्यूमेरिक डेटा है उनको कंपेयर करने में। तो इजी कंपैरिजन इसमें हम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं या फिर जो भी आपके इंटरप्रिटेशन है रिलेटेड टू डेटा वो भी कवर होते हैं। इसके अलावा हम समझें तो टैबुलेशन एक बेसिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी डेटा को इन टैबुलर फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स, और ये आपका कॉम्प्लेक्स, डबल या फिर सिंपल टेबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैटेगराइजेशन के बेसिस पे देखें तो कॉम्प्लेक्स, डबल और सिंपल टाइप की टेबल्स भी बनती हैं डेटा टैबुलेशन में। यहाँ पे हम समझें तो जो जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपका डेटा है उसको हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में प्रेजेंट करते हैं या फिर उसे इजी टू रीड मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है टैबुलेशन के थ्रू। यहाँ पे समझें तो अगर टैबुलेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो भी बल्क डेटा है उसको हम सिंपल वर्जन में प्रेजेंट करते हैं ताकि वो आपका रीड करने में और जस्टिफाई करने में हमारे लिए आसान हो, और ये इस तरीके का डेटा कोऑर्डिनेट करता है हमें ताकि जो भी हमारा कोऑर्डिनेटेड वर्जन है रिलेटेड टू डेटा इन टेबल्स फॉर्म वो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई कर सके या फिर उस डेटा से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। अब हम टेबल्स को जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो उसको हम एनालाइज करते हैं, तो टैबुलेशन का एनालिसिस किस फॉर्म में होता है? तो बेसिकली चार टाइप्स के एनालिटिक मेथड्स होते हैं, कंपैरेटिव मेथड्स होते हैं टैबुलेशन के, तो उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस। तो टेबल्स क्वालिटेटिव टाइप की हो सकती है या फिर क्वांटिटेटिव टाइप की हो सकती है, टेम्पोरल या स्पैटियल हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दैट वी यूज फॉर टैबुलेशन। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें एनालिटिक टैबुलेशन की, तो ये आपकी बेसिकली फिजिकल स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है किसी भी डेटा के, या फिर नेशनैलिटी हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, इन सब को रिप्रेजेंट करेगी। तो किस तरीके का क्वालिटी है डेटा का वो रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे नेशनैलिटी की बात करें इंडियन है या ब्रिटिशर है, वहीं सोशल स्टेटस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आता है या फिर एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी में आता है इंडिविजुअल, तो उसके इंडिविजुअल के जो भी ट्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल को या क्वालिटी ऑफ द डेटा को टेबल्स की फॉर्मेट में जब प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो इसमें हम डेटा को उसके स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, और वो स्पेसिफिक फीचर होता है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बेसिस पे जब भी हम टेबल्स को बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी आपके डेटा का क्वांटिटेटिव नेचर है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए टेबल्स में। मतलब कि हम सपोज वेट ऑफ द क्लास, मतलब एवरेज वेट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करें, तो वो टेबल्स की फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हर एक इंडिविजुअल का नाम और उसके आगे उसका वेट आ जाएगा। वेट हमेशा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, इन केजीज रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ टैबुलेशन। नेक्स्ट है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में हम जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब हम अपने वेरिएबल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इस बेसिस पे जब हम टेबल बनाते हैं तो वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एनालिसिस ऑफ टैबुलेशन कहलाएगा। यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके वेरिएबल्स ईयर्स, मंथ, वीक्स,
या डेज या आवर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। वहीं आपका स्पेटियल क्लासिफिकेशन एक और आता है जिसमें हम टेबल्स को एनालाइज कर सकते हैं, वो है आपका जिसमें कि हम लोकेशन के बेसिस पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और लोकेशन के बेसिस पे जब भी हम डेटा का या टेबुलेशन करेंगे तो वो आपका स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन कहलाएगा। यहाँ पे हम लोकेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसा कैसा डेटा, तो कंट्री वाइज डेटा होगा या फिर स्टेट का डेटा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज या टाउन से रिलेटेड डेटा जब भी आएगा टेबल्स की फॉर्मेट में तो वो स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे समझेंगे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और स्पेटियल क्लासिफिकेशन में। तो अभी आप देखें, अगर आप वर्डोमीटर की साइट को अभी देख रहे होंगे फॉर कोरोना रिलेटेड न्यूज़ या कोरोना रिलेटेड अपडेट्स, तो आप उसमें जान रहे होंगे कि उसमें डेज, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मतलब डेट के हिसाब से रोजाना के अपडेट्स आते हैं इन टेबुलर वर्जन, जिसमें कि हर एक कंट्री का डेटा उसमें फीड रहता है। तो वो जो आपका वर्डोमीटर की साइट है वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रही है, साथ साथ में स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट कर रही है इन फॉर्म ऑफ टेबल। तो उसमें हम देख रहे हैं डेट वाइज भी कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये भी आ रही हैं डिटेल्स, और साथ साथ में स्पेटियल क्लासिफिकेशन हर एक कंट्री का डेटा अलग से आ रहा है। और वहीं अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो वो जो डेटा रिलीज कर रही है वो भी आपके स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलेटेड टू कोरोना अपडेट्स जो भी डेटा है या कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हो चुके हैं अभी तक, वो सारी डिटेलिंग स्पेटियल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दे रही है। तो ये हमारे टेबुलेशन के बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करने के लिए टेबुलेशन की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जब भी आपका टेबुलेशन होता है तो ये एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा कहलाएगा, और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है टेबल बनाने का कि हम किसी भी डेटा को लॉजिक के साथ और सिस्टमेटिक ढंग से रोज और कॉलम में फिट करें, तो वो आपका टेबुलेशन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जब भी डेटा आपका प्रेजेंट होगा टेबल्स के फॉर्म में तो वो हमेशा ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा उसका, और यहाँ पे अधिकतर जो डेटा होगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का होता है, कुछ केसेस को छोड़ दें तो। यहाँ पे हमें जब भी हम टेबल्स को ऑब्जर्व करें तो टेबल्स हमें देखते ही समझ में आ जाती हैं कि हाँ, जैसे अभी अब वर्डोमीटर साइट की बात करें तो इसके थ्रू आप इजीली समझ पा रहे हैं कि हाँ, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। और टेबल्स की वर्जन में जब भी डेटा रहता है तो वो अपने आप ही काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा, हम समझे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटा के, तो ये इजी होता है, सिंपल फॉर्म होता है डेटा को प्रेजेंट करने का। इसमें डेटा के का जो बल्क है वो भी कम स्पेस में हम कवर कर लेते हैं, कंपैरिजन करने में इजी होता है इसमें डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, और इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये डेटा टेबल के फॉर्म में हमें काफ़ी हेल्प करता है, और इसके थ्रू हम काफ़ी सारे एरर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है टेबुलेशन के थ्रू हम उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बल्क इन्फॉर्मेशन को हम या फिर जो भी रॉ डेटा है उसको हम सिंपल और मीनिंगफुल वर्जन में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसे कोई भी इंडिविजुअल कॉमन मैन भी इजीली समझ सके बिना अपना टाइम ज़्यादा लगाए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं डेटा के, वो भी रिप्रेजेंट होते हैं प्रिसाइजली या क्लियरली विद द फैक्ट्स, और इसलिए हम अधिकतर टेबल्स के फॉर्म में ही जो बल्क डेटा है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा की रो और कॉलम के फॉर्म में तो कंपैरिजन करना भी आसान होता है किसी भी पैरामीटर के बेसिस पे अपने डेटा का। और देखिए, हम तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है टेबल्स के वर्जन में अगर डेटा रहता है तो जैसे मीन निकालना है, मोड निकालना है, एवरेज निकालना है, डिस्पर्शन कोरिलेशन निकालना है किसी भी डेटा का, तो इस फॉर्म में ये इजी रहता है टेबल्स के फॉर्म में। अगर हमें डेटा मिलता है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस काफ़ी ईजी हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट, इसमें हम जैसे हम समझ रहे हैं कि टेबल्स के फॉर्म में जब भी हम बल्क डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमारा स्पेस बचता है, और ये जो स्पेस बचता है ये हमारी साथ में टाइम भी बचता है, ये हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है।
तो ऐसा नहीं कि स्पेस बचाने के चक्कर में हम अपने जब भी टेबल्स बनाए रॉ डेटा की तो उसमें हम अपना क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डेटा को ही खो दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टेबल्स बनाने में हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ डेटा भी वैसा ही रहता है जैसे हम रॉ डेटा या बल्क डेटा के फॉर्म में उसे रखते हैं या टेक्सचुअल डेटा के फॉर्म में जब वो रहता है। तो इस वजह से टेबल्स बनाना हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए खासतौर पर। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ टेबल्स की बात करें तो टेबल नंबर आता है सबसे पहले। किसी भी टेबल को जब हम डिज़ाइन करते हैं या रिसर्च वर्क की बात करें तो रिसर्च वर्क में अधिकतर जब भी हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऊपर टेबल का नंबर लिख लेते हैं। तो सपोज़ हमने अपना रिसर्च या अपना थीसिस जो भी बनाया है उसमें हमने टेबल में मेंशन किया है चैप्टर 1 की टेबल है पहली, तो हम उस टेबल का नंबर देंगे टेबल नंबर 1.1। 1 रिप्रेजेंट चैप्टर नंबर और 0.1 में जो आएगा वो होगा टेबल नंबर। ओके, तो ऐसे ही आपका चैप्टर 2 का दूसरा टेबल है तो उसमें आप लिखेंगे 2.2, टेबल नंबर आ जाएगा 2.2। और इसी ढंग से हम अपने जितने भी टेबल्स का मेंशन करते हैं, चैप्टर नंबर 10 में पहला टेबल है जैसे, तो हम उसे 10.1 टेबल नंबर दे देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जैसा भी हमें सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर टेबल नंबर एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सबसे पहला पार्ट है किसी भी टेबल को बनाने का, टेबल नंबर रखना। नेक्स्ट है टाइटल। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उस क्या टाइटल है उसका, क्या उसमें आइटम्स हैं, उसके बेसिस पे हम टेबल का एक टाइटल बना लेते हैं जो हमें क्या कंटेंट है टेबल के उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। और टाइटल हमेशा क्लियर, ब्रीफ, छोटा और केयरफुल वर्ड से सजा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन टेबल्स के टाइटल के थ्रू दें। टाइटल हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन दे अपने जो भी टेबल में डेटा है उसके बारे में। तो ये हो गया टाइटल। नेक्स्ट आता है हेड नोट। हेड नोट में आता है जो भी हम टेबल में कंटेंट या टेबल में जो भी आपका कंटेंट है या जो भी मटेरियल है टेबल में उसके बारे में विशेष जानकारी दे। विशेष जानकारी इन द फॉर्म लाइक, जैसे हम यूनिट ऑफ डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे वेट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स की बात करें, हमने एक टेबल बना लिया तो वेट ऑफ क्लास स्टूडेंट में हम वहाँ पे वेट ऑफ इंडिविजुअल या वेट ऑफ अ पर्सन मेंशन करेंगे तो वो केजी में आएगा हमेशा, तो यूनिट ऑफ डेटा हो जाएगा केजी। या फिर जैसे हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस मेंशन कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी इन रुपीस। या फिर हम कोई क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं तो आपका मास मेंशन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा टन्स में। इस तरीके से यूनिट ऑफ डेटा के फॉर्म में भी हेड नोट्स रहते हैं और ये हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं ब्रैकेट्स के फॉर्म में, तो ब्रैकेट के अंदर ही हम हमेशा हेड नोट को रखते हैं। नेक्स्ट आ गया कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। और जब भी आपके कॉलम की बात आती है तो कॉलम में हमेशा एक हेडिंग आती है। तो जब भी हम देखें तो आपके कॉलम्स और रोज कैसे होते हैं पहले ये समझते हैं। कॉलम हमेशा होंगे आपके वर्टिकल रिप्रेजेंटेशंस और रोज होंगे आपकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। तो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो ऊपर से नीचे आ रही होगी उसे हम कॉलम कहेंगे और उस कॉलम के लिए जो हेडिंग लगाएंगे हम उसे कैप्शन कहेंगे। ओके, ऐसे ही आपकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन टेबल में जो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होगी उसमें हम जो भी हेडिंग देंगे उस रो को, उस रो की हेडिंग कहलाएगी स्टब्स। ओके, तो कॉलम की हेडिंग होगी कैप्शंस और रो की हेडिंग्स हो जाएगी स्टब्स। ध्यान में रखेंगे कैप्शंस कॉलम हेडिंग, स्टब्स रो हेडिंग्स। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल में आते हैं कॉलम्स एंड रोज। तो कॉलम और रो के जितने भी आइटम्स हैं वो सब बॉडी कंक्लूड करता है। तो इसमें आते हैं कॉलम जो वर्टिकली पढ़े जाते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक अलाइन होते हैं, और रोज जो हॉरिजॉन्टली पढ़े जाते हैं जो लेफ्ट से लेके राइट तक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोर्स नोट। सोर्स नोट कुछ ऐसे ब्रीफ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्मॉल टैगलाइंस होंगी जो बताएंगी आपको कि जो डेटा है टेबल में वो किस सोर्स से लिया गया है, क्या किस से लिया आपने, किस बुक से लिया है या किस वेबसाइट से लिया है। पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होगा सोर्स नोट में। नेक्स्ट आते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स होते हैं जो टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। टेबल में स्पेसिफिक फैक्ट्स जब भी हमें इंक्लूड करने होते हैं या स्पेसिफिक फीचर्स इंक्लूड करने होते हैं तो उसके बारे में आप हमेशा फुट नोट के वर्जन में लिखते हैं। जैसे कोई नया चीज़ है आप फुट नोट के फॉर्म में आप उसको मेंशन करते हैं। स्पेसिफिक डेटा है उसको आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं फुट नोट के वर्जन में। और ये अधिकतर आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है लेटर फेज में, तो ये आपके फुट नोट्स आते हैं।
ओके तो ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ टेबल्स। सैम्पल ऑफ टेबल की बात करें तो ये आपका एक सैम्पल है टेबल का, जिसमें हम सबसे पहले टेबल नंबर लिखते हैं, देन टाइटल लिख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हेड नोट, अगर आपको इंक्लूड करना है हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, और फिर आ जाता है आपकी बॉडी ऑफ द टेबल। अब बॉडी ऑफ टेबल में आ जाते हैं सबसे पहले कैप्शंस, जो कॉलम की हेडिंग होगी, और फिर आते हैं स्टब्स। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, कई बारी हम कॉलम में सब हेडिंग भी डालते हैं, तो सब हेडिंग ऑफ कॉलम, और फिर उसकी भी सब हेडिंग आ सकती है, तो कॉलम हेड्स इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरीके की कई सारी कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती हैं जिसमें कॉलम हेड्स आते हैं, रेदर सिंपल टेबल्स में आपके सिर्फ कॉलम और रोज आती हैं, और जब आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है टेबल तो सब हेडिंग ऑफ कैप्शन और सब सब हेडिंग या कॉलम हेड ऑफ कैप्शंस भी आ जाते हैं। ओके तो ये आपका हो गया टेबल। लास्ट में आ जाता है आपका सोर्स नोट, किस सोर्स से लिया है आपने, किस बुक से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है उसके बारे में, और एट लास्ट फुट नोट्स आ जाते हैं। ये जैसे हम एक टेबल रिप्रेजेंट करें तो सिंपलर या सिंपल टाइप ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका हमने टाइटल दिया है, तो इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो सीरियल नंबर डाला है हमने यहाँ पे कैप्शंस के फॉर्म में, जो कॉलम है दीज आर द कॉलम्स, और इसमें हमने हेडिंग्स डाली है कॉलम की जिन्हें हम कैप्शन कह रहे हैं, सीरियल नंबर, कैटेगरीज, नंबर ऑफ इंडियन स्पीसीज, परसेंटेज ऑफ इंडियन स्पीसीज, या फिर इवेल्युएटेड स्पीसीज थ्रेटन्ड इन इंडिया, ये आपके आ गए सारे कैप्शंस। और वहीं हम देखें तो स्टब्स आ गए 1, 2, 3, 4 और 5, दीज आर द स्टब्स, और ये आपकी बॉडी ऑफ टेबल है। नेक्स्ट आए लिमिटेशंस ऑफ टेबल। टेबल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जिसमें आप कई बारी क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर टेबल प्रेजेंट होती है तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस नज़र आती हैं, जैसे हमने आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाली टेबल देखी थी, तो इसमें हमें क्या होता है कि कई बार इस तरीके की टेबल्स हमें समझ में नहीं आती हैं, तो ये टेबल का कुछ डीमेरिट होता है। समझते हैं हम यहाँ पे क्या लिमिटेशंस हैं आपके टेबल्स के, तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन जो भी आपका वैल्यूज़ हैं या जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, डेटा हैं, उनकी आपकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाती हैं टेबल्स। इसके लिए हमें आपके जो भी डेटा से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन करने पड़ते हैं या बताने पड़ते हैं वर्बली, जैसे ओरली हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो भी आपका डेटा जो टेबल के फॉर्मेट में रहता है उस वो हमेशा एग्रीगेट डेटा के फॉर्म में रहता है, तो वो आपका एक झुंड जैसा या समूह जैसा रहेगा, ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे हम हर एक डेटा को इंडिविजुअल आइटम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं टेबल्स में स्पेसिफिकली, और क्योंकि आपका बल्क में है डेटा तो आप उसे हमेशा एग्रीगेट वर्जन में ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अलग अलग हर एक डेटा को का स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर सकते हैं टेबल्स में। नेक्स्ट, कभी भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जैसे, तो उसमें हमें टेबल, अगर हमने उसकी कॉम्प्लेक्स टेबल बना ली तो उसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है इस तरीके के टेबल्स को समझने के लिए, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से ये टेबल्स बनी हैं और क्या इसमें डेटा बताया जा रहा है, आप उसे ईजिली या लेमन लैंग्वेज में आप इस तरीके के टेबल्स को मैंशन नहीं कर सकते हैं, तो ये है आपकी कुछ लिमिटेशंस रिलेटेड टू टेबल्स। So this one is about the data tabulation. Thank you.